आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल मेंशन, बेस्ट पीजी फॉर बॉयज। 2 BHK, 3 BHK और पेइंग गेस्ट ऑन रेंट इज अवेलेबल इन इंदिरापुरम और नोएडा सेक्टर 62 और 63। उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड तथा कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के अगर माने तो इस मौसम से अगले 3 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भीषण ठंड के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं सड़क से लेकर रेल यातायात तक पर इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में सारे में बहुत कड़ाके किया, क्योंकि बर्फ जो है ना बहुत ज्यादा पड़ गई ऊपर, और काम काज भी लगभग सब बंद से ही है। सारा दिन इसमें आंच पे बैठ के सेकते रहते हैं। गांव बूबका में बुधवार को क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में इंकलाब मंदिर संस्थापक एडवोकेट मरियाम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति खंड रादौर की टीम ने घोषणा पत्र अभियान के तहत रादौर व खुर्दबन का दौरा किया। इस अवसर पर खंड प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 2006 के बाद के कर्मचारियों से घोषणा पत्र भरवाए गए हैं। नई पेंशन नीति के तहत NPS का पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, जो कि एक जोखिम पूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का तर्क है कि कुछ ही कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रमाण देने के लिए ही संघर्ष समिति द्वारा कर्मचारियों से घोषणा पत्र भरवाए जा रहे हैं। स्वराज शिशु निकेतन के छात्र छात्राओं ने क्रिसमस डे के अवसर पर बुधवार को कुरुक्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों व स्टाफ सदस्यों ने वहां मंदिरों, कल्पना चावला तारा मंडल, श्री कृष्ण म्यूजियम एवं धरोहर का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल रेनू शांडिल्य ने बच्चों को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।